हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले पैनल सुपरस्टार यश की धमाका चापड़ू तबाह चापड़ू मेल्स भाई अपना केजीएफ चापड़ू का एडवांस विंग के क्रेज के बारे में। दोस्तों आज हम आखिरी आपको नहीं बताने वाले, आखिरी तो मैं कब से आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एपिसोड के अंदर जब एडवांस विंग के एपिसोड में बनाता हूँ तब आपको बता देता हूँ कि भाई आखिरी यहाँ पे हो रहे हैं। तेलुगु के अंदर ये, तमिल के अंदर ये, कन्नड़ा के अंदर ये, हिंदी के अंदर ये, ताबड़तोड़ तरीके से जो है एडवांस जो आपको देखने को मिले। तो आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया कि क्या सीन यहाँ पे चल रहा है, और भी आएगा तो और भी मैं आप लोगों को, अभी से बात है हर दिन आपको रोजाना अपडेट करता रहूंगा क्या सीन यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करने वाले कि एडवांस विंग के बाद से क्या क्रेज यहाँ पे हुआ है, मतलब फर्स्ट डे से लेके अभी तक जो क्रेज यहाँ पे देखने को मिला है उस क्रेज के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्रेज यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों बात करते हैं हिंदी, 7 अप्रैल से नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी हिंदी के अंदर और तमिलनाडु के अंदर जो एडवांस बुकिंग ओपन हो गए थे एंड उसके मैक्सिमम 6 घंटे तक एडवांस बुकिंग एक लेवल पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जिस लेवल का मतलब रंग रूप बदल दिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन ने, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का, मतलब जैसे कोई केजीएफ चैप्टर 2 का सॉन्ग ट्रेलर रिलीज होता है YouTube चैनल कैसे फ्रीज हो जाता है, वैसे बुक माई शो, पेटीएम ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप लोगों ने टिकट बुक किए, मानो कुछ मिनट के लिए जो है ये भी यहाँ पे फ्रीज हो गया था। मतलब आप शो दिखा रहे, मतलब 1 बजे का आप शो देखोगे तो क्लिक करोगे तो कुछ और ही ओपन कर देता है, मतलब आप सुबह के 8 बजे का शो ओपन करोगे तो कुछ ऑडियो ओपन कर देता है, ये भी सीन मैंने देखा था भाई साहब। वो अलग ही लेवल का क्रेज यहाँ पे देखने को मिल रहा था मैं, और उसके मैक्सिमम 1 घंटे के बाद जो क्रेज देखने को मिला जो 6 घंटे तक था वो 15 या फिर 16 लाख का ऐसा कुछ एडवांस बुकिंग हमें दिखा रहा था, और उसको तुरंत 7 या फिर 8 घंटे के बाद जो हमें रंग रूप देखने को मिला वो 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, वो अलग ही लेवल का देखने को मिला। मतलब कहाँ पे 16-17 लाख और कहाँ पे जाके 3.4 करोड़ हिंदी के अंदर जस्ट अपने 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर लिया, इसको कहते क्रेज। और फिर 48 आवर्स के अंदर यानी अपने 2 दिनों के अंदर इसने 6.2 करोड़ के यहाँ पे एडवांस बुकिंग कर लिए थे, मतलब डबल, मतलब एक एक दिन डबल, अगर 6 होगा तो उसके अगले दिन 12, मतलब इस लेवल का क्रेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि अविश्वसनीय है। मतलब अपने पूरे दिन के अंदर ही 6 घंटे के गैप के अंदर भाई जिस लेवल का कलेक्शन का उछाल देखने को मिल रहा है वो अलग ही लेवल का। और अपने 8 तारीख के अंदर हिंदी में वो 7 करोड़ के ऊपर पहुंच गया था, और अपने 9 तारीख के अंदर वो मैक्सिमम 8 करोड़ के करीब पहुंच गया था, और अपने तारीख के अंदर वो मैक्सिमम 9 करोड़ के ऊपर पहुंच गया था, और अपने जो 10 तारीख के अंदर इसने 10.52 करोड़ का बिजनेस कर लिया था एडवांस बुकिंग, और अपने 11 तारीख के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का जंप करके एक अलग ही लेवल का माहौल बनाकर 15.60 करोड़ का एक आउटस्टैंडिंग एडवांस बुकिंग कलेक्शन करके जो है हम लोगों के सामने लेके रख दिया। और आज है 12 तारीख, अभी तक जो एडवांस बुकिंग आ रहे वो है 16.20, और मेरे पास जब ऑफिशियल कलेक्शन हाथ लगेगा तब वीडियो बना के आप लोग अपडेट कर देने वाला हूं कि आज यानी 12 तारीख के अंदर सभी लैंग्वेज के अंदर क्या कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो ये था क्रेज जो कि अपने शुरुआती दिन से लेके अभी तक हिंदी के अंदर देखने को मिले। ये तो मैंने जस्ट हिंदी के बारे में बताया दोस्तों, जो कनाडा लैंग्वेज यानी जो ओरिजिनल लैंग्वेज था उसके अंदर तो एक अलग ही लेवल का माहौल क्रिएट कर दिया अपने पहले दिन के अंदर, 3.40 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बिजनेस करके जो है अलग ही लेवल का माहौल यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद जो तेलुगु के अंदर कलेक्शन था वो था 5.1 लाख, मलयालम के अंदर था 1.90 करोड़, वो 2 करोड़ भी आप पकड़ सकते हो, और हिंदी के अंदर वो तब 4 दिन का अंदर था वो था 10.50 करोड़ यानी 11 करोड़ भी आप पकड़ सकते हो, और उसके बाद तमिल के अंदर था 1.80 करोड़, मतलब इस लेवल का आउटस्टैंडिंग कलेक्शन उस सभी लैंग्वेज के अंदर यानी संडे के अंदर देखने को मिल रहा था। तो भाई सोच के देखो कि किस लेवल का क्रेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उस दिन के रिकॉर्डिंग अगर आज की बात करें, आज है 12 तारीख और अपने ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर आज के 9.90 करोड़ का एक आउटस्टैंडिंग लेवल का कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब 1 करोड़ का डायरेक्ट उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि भाई अलग ही लेवल का कांड यहाँ पे करके दिखा रहा है, और हिंदी को एक लेवल पे जो है टक्कर यहाँ पे दे रहा है। तो इस विषय में आपको क्या करना है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बता सकते हो। दोस्तों इस लेवल का क्रेज बेस जो है जब से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुए तब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अभी भी भाई 2 दिन बचे थिएटर के अंदर इसका धमाका करने के लिए, तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हो और कहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है 200 करोड़ अपने फर्स्ट डे के अंदर ये आराम से कर लेगा, ये 250 या 300 करोड़ भी आराम से कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जिस लेवल का अभी तक देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे जंप मार रहा है भाई वो अलग ही लेवल का है, लोग 2-3 गुना मारते हैं, ये केजीएफ चैप्टर 2 पूरा 8-9 गुना जंप मार रहा है, तो वही अलग ही लेवल का चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं अपनी शहर की बात करूँ तो कभी भी कोई भी थिएटर हाउसफुल नहीं होता, कोई भी फिल्म लग जाए बॉलीवुड का कितना भी बड़ा सुपरस्टार का कोई भी फिल्म लग जाए कभी भी हाउसफुल नहीं होता, कोई भी शो नहीं देखने को मिलता, लेकिन केजीएफ चैप्टर एक ऐसा लौता मूवी था इसके लगने के अंदर मुझे नहीं लगा था कि भी एडवांस बुकिंग इस लेवल का देखने को मिलेगा, और मेरा भी प्रॉपर्ट हो गया, मैं अगले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ।